बहुत से लोग देर से चाहते हैं कि सुबह 4 बजे उठे और पढ़े, लेकिन फिर भी वे ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक ऐसा जुनून पैदा होगा कि रोज सुबह 4 बजे उठोगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए 4 बजे से ही मेहनत शुरू कर दोगे। SRK ने कहा था कि वो लेजी है, उन्हें आराम करना पसंद है, उन्हें वीडियो गेम खेलना पसंद है, लेकिन उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी वो काम करते हैं, सिर्फ 4-5 घंटे ही सोते हैं, क्योंकि उनका कहना है अगर आपको सैक्रिफाइस करने नहीं आता तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सच ही तो है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब करने वाले 90% लोग अपने काम से नफरत करते हैं? ये मैं नहीं, रिसर्च कहता है। उन्हें उनका काम पसंद नहीं है, फिर भी वे करते हैं। क्यों? क्योंकि वे काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा ही नहीं आएगा तो जिंदगी कैसे जिएंगे? अर्थात जिन्हें हम कहते हैं कि अच्छी नौकरी में है, पैसे वाले हैं, वो भी सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। मैं नहीं जानता कि आपके माता पिता नौकरी करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वे भी अपने खुशी से सैक्रिफाइस करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को यानी कि आपको खुशी दे सके, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। इसी तरह हर कामयाब व्यक्ति कामयाबी के लिए वो हर काम करता है जो कामयाबी मांगती है, जैसे नींद का त्याग, कड़ी मेहनत, दर्द को सहना, मुश्किलों से लड़ना, नॉलेज को बढ़ाना, एवरीथिंग। सिर्फ 5-10% लोग ही अपने काम को एंजॉय करते हैं। हर व्यक्ति आराम चाहता है, एंजॉयमेंट चाहता है, मगर जो उन्हें त्याग कर जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है वही कामयाब बनता है। अर्थात बिना सैक्रिफाइस किए आज तक न कोई कामयाब हुआ है और न ही कभी होगा, क्योंकि कामयाब लोगों के लिए आराम हराम है। इसलिए कामयाबी ज्यादा सोने से नहीं जल्दी जागने से मिलती है। मुझे खुद याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम 6 बजे कब उठा था। पिछले कई सालों से लगातार 4-4:15 बजे उठने की आदत है। अगर मैं किसी रात को 11:30 बजे या 12 बजे भी सोता हूँ, फिर भी 4 बजे उठ जाता हूँ। दोस्तों इस भ्रम को मिटा दो कि ज्यादा नींद लोगे तो दिमाग तेज चलेगा। नहीं, दिमाग नींद ज्यादा लेने से नहीं बढ़ते, मेहनत करने से, अनुभवों से, हालातों से, लोगों से सीखने से बढ़ते हैं, ज्ञान को बढ़ाने से और लाइफ में प्रैक्टिकल करने से बढ़ते हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जल्दी जागो, अपने लक्ष्य के लिए जागो और तब तक जागो जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। स्टूडेंट की नींद स्वान निद्रा होनी चाहिए, अर्थात कुत्ता जब नींद में होता है तो जरा सी आहट से या उसके पास से गुजरने से ही उसकी नींद खुल जाती है। इसी तरह आप भी सुबह हो या दोपहर जब कभी सोए आपको अपने लक्ष्य की आहट सुनाई देनी चाहिए, जिससे आप एक झटके में ही उठ सके। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अलार्म बज रहा है फिर भी आप उसे बंद करके सो रहे हैं, एग्जाम सर पे है फिर भी आपको नींद की चिंता है। मैं अपने अलार्म को आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले सेट करता हूँ ताकि उठने में लेट न हो जाऊँ, भले ही टाइम से पहले उठ जाऊँ। दोस्तों चिंता कामयाबी की होनी चाहिए, नींद की नहीं। इलॉन मस्क मात्र 3-4 घंटे सोते हैं, SRK 4-5 घंटे ही सोते हैं, स्वामी विवेकानंद मात्र 1-2 घंटे सोते थे। नींद जरूरी है, लेकिन उतना ही जिससे शरीर स्वस्थ रहे और शरीर को जितने नींद की जरूरत है। हमारा धर्म कहता है अल्पहारी बनो, अर्थात उतना ही भोजन करो जितना शरीर के लिए जरूरी है। पूरा पेट भरकर भोजन करोगे तो नींद आलस्य सताएगा ही। उम्र लंबा रहे या ना रहे, लेकिन जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। बहुत से लोगों के लिए देर तक सोने के कारण दिन ही छोटी पड़ जाती है, तो जिंदगी कहाँ से लंबी होगी। जो सुबह जल्दी नहीं उठते वो क्या क्या खोते हैं? 24 घंटे में से सबसे बेहतर जो समय होता है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, और देर तक सोने वाले इसी समय को खो देते हैं। कुछ लोग उगता हुआ सूरज कभी नहीं देख पाते, सुबह की अनमोल और ताजी हवा का आनंद कभी नहीं उठा पाते, पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरा हुआ वक्त खो देते हैं, जिस वक्त पर इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। यहाँ तक कि देर से उठने वाले लोग उन लोगों से पीछे रहते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने वालों के पास टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। सुबह 4 बजे उठने के फायदे क्या क्या होते हैं, शरीर में क्या क्या कुछ नया और अलग होता है, और 4 बजे उठकर पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैंने इन टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, इसलिए कुछ बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लेना। जाने से पहले कमेंट में वादा करके जाना कि अब से रोज सुबह 4 बजे उठोगे और वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो जरूर करोगे, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद जय भारत।